आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के लिए बनाई जाने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के बारे में। अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई थी कि फ्रांस के साथ भारत मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने वाला है। ऑफिशियली इस चीज को लेकर किसी भी देश की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बाराकुडा क्लास की सबमरीन्स इंडियन नेवी को ऑफर की गई हैं, और अगर इंडियन नेवी इस प्रपोजल के साथ में जाती है तो 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स इंडियन नेवी के लिए बनाई जा सकती है। इस न्यूज को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं क्या और क्यों ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज आप सभी को पता होगी कि इंडियन नेवी के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, लेकिन इंडियन नेवी की ये जो सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मेजरली दो प्रकार की होती हैं। पहली SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, इनको आप एक तरीके से बॉम्बर मान सकते हैं क्योंकि इस तरीके की सबमरीन्स बहुत ज्यादा तेज मूव नहीं करती हैं, ये बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाती हैं और नॉर्मली एक स्टेबल पाथ को फॉलो करती हैं, लेकिन ये अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करती हैं। यानी कि इस तरीके की सबमरीन से एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, लेकिन इनकी मदद से शिप्स को डुबाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि इस तरीके की सबमरीन्स ना ही बहुत ज्यादा तेज मूव करती हैं और ना ही ये पानी में बहुत ज्यादा अंदर तक जाती हैं। हालांकि ये सबमरीन्स भी टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, यानी कि लिमिटेड कैपेसिटी में इस तरीके की सबमरीन से भी अटैक रोल्स किए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है SSN की तो ये डेडिकेटेड सबमरीन्स होती हैं जिनको अटैक रोल के लिए ही बनाया जाता है, और इसी वजह से इस तरीके की सबमरीन्स ना ही केवल पानी के अंदर काफी तेज मूव कर सकती हैं बल्कि अग्रेसिव तरीके से मनूवर कर सकती हैं और ये पानी में काफी ज्यादा डीप जा सकती हैं। जैसे जैसे सबमरीन पानी के अंदर डीपर और डीपर जाती रहती है तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और इसी वजह से पानी के अंदर डीप जाने के लिए इन सबमरीन्स का जो हल होता है उसको और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर इस समय वर्ल्ड में मौजूद टॉप SSNs को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि बाराकुडा दुनिया की बेस्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में से एक है। अगर आप दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजिकली उसी लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स है, ब्रिटेन की अस्त्युत क्लास की सबमरीन है और रशिया की यासिन क्लास की सबमरीन है। लेकिन बाराकुडा एक स्पेशल तरीके की सबमरीन है। ये सबमरीन लो एनरिच यूरेनियम रिएक्टर का प्रयोग करती है और इसी वजह से इस तरीके का रिएक्टर ऐसे देशों को भी पास किया जा सकता है जिनके पास में यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि भारत के पास में वो क्षमता है और भारत के पास में अच्छे खासे अमाउंट में एनरिच यूरेनियम अवेलेबल है जिसको इंडिया दोनों तरीके के यूजेस में यूज कर सकती है। जी हाँ, दूसरा यूज बॉम्ब है। हाईली एनरिच यूरेनियम का प्रयोग बॉम्ब्स में किया जाता है। वैसे इंडिया में इस समय एक धारणा बनी हुई है कि लो एनरिच यूरेनियम का प्रयोग करती हुई सबमरीन्स आसानी से रिफिल की जा सकती हैं, लेकिन जिन सबमरीन्स में हाईली एनरिच यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है उनको रिफ्यूल करना मुश्किल होता है क्योंकि इनके हल को काट कर उसके बाद में रिएक्टर को रिफ्यूल किया जाता है। देखिए, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया द्वारा फैलाई गई है और जिन लोगों को रिएक्टर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वो इस तरीके के आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अरिहंत क्लास की पहली सबमरीन का रिएक्टर साल 2009 से पहले क्रिटिकल हुआ था और आज 12 साल से ऊपर होने के बाद भी इसको रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स में भी हाईली एनरिच यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ब्रिटिश एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स में 90% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और इनको अपनी 30 ईयर की लाइफ साइकिल में कभी भी रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि भारत को अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने के लिए रिएक्टर एज सच परेशानी नहीं होगा, और इसी वजह से इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने के लिए भारत के पास में हर वो टेक्नोलॉजी इस समय मौजूद है जो इस तरीके की सबमरीन्स के लिए चाहिए। लेकिन अगर इंडियन मिलिट्री प्लानर्स और भारत सरकार अपनी खुद की सबमरीन ना बनाकर लो रिस्क ऑप्शन चूज करना चाहती है तो बाराकुडा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि फ्रांस पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करेगा, और जिस तरीके से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में भारत के पास में लिमिटेड नो हाउ है, कुछ उसी तरीके का सेटअप इन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स में भी बना रहेगा। मेरा पर्सनल टेक है कि भारत को अपनी खुद की सबमरीन्स ही बनानी चाहिए, और जब भारत अरिहंत क्लास की सबमरीन्स बना सकता है तो भारत SSN भी बना सकता है। जरूरत है कॉन्फिडेंस और फंडिंग की। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।